नाम के बारे में तो मैं इस समय अंकुर आपको रोकूंगी। इस समय की बहुत बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको बता दें, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, नाम का खुलासा हो चुका है। और ये भी यहाँ पर भी एक बड़ा सरप्राइज भजन लाल शर्मा के रूप में सामने आया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वैसे ही राजस्थान में भी बड़ा सरप्राइज प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का। भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अंकुर जल्दी से बता दीजिए, किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और किसके नजदीकी है, वसुंधरा राजे के या कोई और खेमा? अंकुर, भजन लाल शर्मा के बारे में जानकारी बताइए, कहां से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं और किस खेमे के हैं? क्या ये वसुंधरा राजे के नजदीकी हैं या दिल्ली के नजदीकी हैं? ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, आशीर्वाद लेते हुए। देखिए, ये वसुंधरा राजे को प्रणाम करते हुए और राजनाथ सिंह को प्रणाम करते हुए। तो यहाँ भी एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर और लीजिए खुलासा हो चुका है, भजन लाल शर्मा फॉरवर्ड कास्ट से। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए भजन लाल शर्मा के बारे में। बिल्कुल, भजन लाल शर्मा की जानकारी जो आ रही है वो सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो जयपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। पहली बार विधायक बने हैं, पार्टी के वहां जनरल सेक्रेटरी थे, स्टेट में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे भजन लाल शर्मा। उनकी पूरी जानकारी एक एक करके आने लगी है। उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया है, चुनाव में जीते हैं, लगभग 48,000 वोटों से चुनाव जीते हैं भजन लाल शर्मा। और 2023 में अभी पहली बार, देखिए ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और इससे पहले पार्टी के महासचिव हैं, सीनियर नेता हैं। तो मुझे रवि रवि मुझे लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, रवि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो ठाकुर लॉबी मजबूत हुई और उसकी वजह से ब्राह्मण लॉबी जो है वो नाराज बीजेपी से हुई, ऐसा कहा गया। तो क्या उस ब्राह्मण लॉबी को साधने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया, शर्मा भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया? फॉरवर्ड कास्ट, हम लोग पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में फॉरवर्ड कास्ट से हो सकता है कोई मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक जगह आपने ट्राइबल सीएम दिया, डिप्टी सीएम वहाँ ओबीसी दिया और वहाँ भी ब्राह्मण फेस को आपने एक डिप्टी सीएम दिया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी आपने ओबीसी सीएम दिया है, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण को दिया है और एक दलित को आपने दिया है कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम। तो यहाँ भी एक तरह से साधने की कोशिश सभी तबके को, ऐसा ना लगे कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास की। मैं शशि मोहन शर्मा का रुख करूंगी, रवि मैं आपको रोक रही हूँ। शशि मोहन, ये चेहरा भजन लाल शर्मा हमारे लिए बहुत नया है, वैसा ही सरप्राइज है जैसे विष्णु देव साय और मोहन यादव थे।